नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट 2024 हाइलाइट्स। नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस युवा, किसान, महिला और गरीबों पर है। ये चारों प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट था। वित्त मंत्री ने परंपरा का हवाला देते हुए टैक्स से जुड़ा कोई ऐलान करने से परहेज किया। इनकम टैक्स समेत किसी भी तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और उनके स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं। वित्त मंत्री ने कहा, बीते 5 साल में टैक्स पेयर्स की सुविधाएं बढ़ी। रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त। उड़ान योजना के तहत 517 नए मार्ग जोड़े जाएंगे। सीतारमण, कर रिटर्न की प्रक्रिया में लगाने वाला समय 2014 में 93 दिन से घटकर अब 10 दिन रह गया है। रिफंड तेजी से किया गया। सरकार 2014 से पहले के वक्त के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लेकर आएगी। सरकार का कोयला गैसिफिकेशन के जरिए प्राकृतिक गैस घटाने का लक्ष्य है। लक्षद्वीप समेत समूचे देश में पर्यटन बढ़ाने के लिए ढांचागत विकास पर सरकार का विशेष ध्यान। बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए रहेगा। यह जीडीपी का 3.4% है। राज्यों में विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त कर्ज का प्रावधान। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8% रहने का अनुमान। अगले वित्त वर्ष में इसे 5.1% पर लाने का लक्ष्य। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपए रहने का संशोधित अनुमान। सीतारमण, शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के लिए परियोजना को व्यावहारिक बनाने को लेकर वित्त पोषण दिया जाएगा। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा। मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी सरकार। किराए के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों के लिए योजना होगी। मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन होगा। आयुष्मान भारत के दायरे में सभी आशा और आंगनबाड़ी वर्कर। वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाने की घोषणा की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। पिछले साल 27 दिसंबर तक इस योजना के दायरे में 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोग थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों MSME को पर्याप्त और समय पर वित्त पोषण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।